मुसीबत हर जगह नहीं आती जनाब, बस आ जाती है और कयामत बरसा जाती है। पानीपत में भी आज सुबह कुछ ऐसा ही हुआ, जब किले पर दीवार गिरने से कोहराम मच गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक दीवार भर भरा कर नीचे गिर गई और इस हादसे में दीवार के साथ खड़ी दो गाड़ियां चपेट में आ गईं और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों के मालिकों ने अपनी कार पार्क की दीवार के साथ खड़ी की थी। दीवार की मिट्टी खिसक जाने की वजह से यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कोई व्यक्ति न तो गाड़ी में था और न ही आसपास कोई व्यक्ति था। ये मैं जब आया गाड़ी दोनों दबी पड़ी थी यहाँ पे, और जो एमएल और पार्क की मिट्टी खिसक गई थी उससे दीवारें पहले नीचे पानी लीक होता था बनने के बाद भी, जिससे मिट्टी खिसकी और दोनों गाड़ियाँ दब गई है, फॉर्चुनर भी और होगी। और जो फॉर्चुनर है वो पूरी खाने थे बेचारे बाहर से और वो चले गए हैं अपने देख दुख के गाड़ी को, और ये हमारे बाजार की किसी बंदे की, वो अपना देख के चला गया। कितने बजे सुबह? 8 बजे का, सुबह 8 बजे का आसपास जाता। पौने आठ, किसी को चोट वोट भी आई? नहीं नहीं, ये सब बचाव हो गया हर चीज का, कोई दिक्कत नहीं किसी वजह से भी, ये परमात्मा का शुक्र है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इस दीवार की हालत काफी समय से जर्जर थी, आज सुबह से हो रही बारिश के चलते ये हादसा हुआ। हादसे में दो गाड़ियों का नुकसान हुआ जिसमें एक महंगी गाड़ी फॉर्च्यूनर और दूसरी मारुति ऑल्टो में सवार होकर किले पर पूरी का स्वाद लेने आए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उन्हें पूरी का स्वाद चखना इतना महंगा पड़ जाएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।